हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नालु 2.3 बहुपद में से क्वेश्चन नंबर 1 है। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से पी एक्स को, ये है पी एक्स, इसको जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है कि क्या भागफल आएगा, शेषफल क्या आएगा, ये ज्ञात करना है। भाग करना हम सबको आता है, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को भाग करना आता है, तो वो भाग करना है हमने इसके अंदर। ये कुछ हद तक हमने 9th क्लास में भी किया है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है पी एक्स, हमें ये दिया है, तो पी एक्स को जी एक्स से ही देंगे क्योंकि इसकी घात ज़्यादा है, इसकी घात 3 है, इसकी 2 है। तो जैसे हमें पता है भाग देने में हम अंदर क्या रखते हैं, बड़े वाला अक्षर, 3x² + 5x - 3, ऐसे ही ज़्यादा घात वाला हमेशा अंदर रहेगा और छोटा घात वाला यानी कम घात वाला बाहर रहेगा। अब इस पे हम ये देखेंगे ये किस पे जाएगा। सबसे पहले हमें जो पहला नंबर है, हमें ऐसा बनाना होता है जब हम गुना करें, किससे इसको गुना करें कि ये x की 3 बन जाए, x² को किससे गुना करें कि x की 3 बन जाए, तो x से गुना करेंगे, x² को x से गुना करेंगे तो x की 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही x को माइनस, अब जब x की 2 को x से किया है तो x की 3 आया है, यहाँ पे करके देख लो, x² - 2 को x से करेंगे गुना, तो ये आ जाएगा x की 3 माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है, ये है रफ काम हमारा। तो x की 3 माइनस जो 2x आया है वो x वाले के नीचे लिखना है हमने, ठीक है, ये x की पावर 1 है तो x वाले के नीचे लिखना है, x की 2 के नीचे नहीं लिखना। अब हम ये लाइन थोड़ी नीचे लगाएंगे और निशान जो है इसका बदल देंगे, ये प्लस का निशान है तो यहाँ माइनस का होगा, ये माइनस का है तो प्लस, तो इसका निशान बदल जाता है। जब हम घटाते हैं किसी भी चीज़ को तो उसका निशान बदल जाता है, एक्स की 3 माइनस एक्स की 3 कट जाएगा। अब ये यहाँ आ गए -3x² -5x -2x, क्या आ जाएगा, -7x, ठीक है। अब फिर वही देखेंगे कि इसको x² को किससे गुना करें कि -3x² आ जाए, x² को किससे गुना करें कि -3x² आ जाए, तो -3 से गुना कर देते हैं, x² तो है ही है, तो -3 से इसको गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा -3x², तो -3 से हम जब गुना करेंगे तो यहाँ लगा देंगे -3, ठीक है। तो x² - 2 को अब हम गुना कर रहे हैं -3 से, तो ये आ जाएगा -3x² -3 × 6, -3x² + 6, देखो इसके नीचे तो नहीं लिखा जाएगा, यहाँ लिखेंगे, और इसके लिए हम -3 भी उतार लेंगे ऊपर से, ठीक है, क्योंकि इनके साथ जिसके साथ x नहीं है, जो कांस्टेंट है उनको हमने एक इन एक नीचे लिख लिया। अब क्या करेंगे, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो निशान बदल लेते हैं, वैसे हम घटाते हैं इसलिए निशान बदल जाता है, तो इसको घटाएंगे तो घटा घटा जमा हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है, ये प्लस है ये बन जाएगा माइनस, ठीक है। इसका नहीं करना क्योंकि ये तो ऊपर है, ये जो नीचे होते हैं इनका निशान हम चेंज करते हैं, तो ये कैंसिल, ऊपर आ गया है 7x और -3 और -6 - 3 और -6, ये कितने होते हैं, -9। जब भी दो घटा वाली संख्या हो तो वे जुड़ती हैं, दोनों घटा की होंगी या दोनों जमा की होंगी, यानी सेम साइन आएगा तो क्या होगा, जुड़ेगा। अगर अलग अलग साइन होता है, जैसे 3 घटा 6 अलग अलग साइन, एक जमा का है एक घटा का, तो हम घटाते हैं 6 में से 3 का जैसे 3, और जो बड़ा है इनमें, इनमें बड़ा क्या है 6, उसके वाला निशान लग जाता है, ठीक है। ये तो है पूर्णांक संख्याएं हल करनी, तो ये आ गया है आपका शेषफल, ठीक है, और ये आ गया है भागफल, हम इसको लिख देंगे भागफल बराबर में x - 3 और शेषफल बराबर में 7x - 9, ठीक है। तो हमें यही निकालना था। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट के अंदर px हमें गिवन है x^4 -3x² + 4x + 5, और gx हमें दिया हुआ है
एक्स स्क्वायर प्लस एक माइनस एक्स, इसको इससे भाग करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो इसमें तो सही ऑर्डर में लिखा हुआ है, देखो पहले चार शक्ति है, फिर दो शक्ति है, फिर कम होती जा रही है शक्ति। इसके अंदर जो कांस्टेंट नंबर है, मतलब जिसके साथ एक्स नहीं है, उसको बीच में लिखा हुआ है, तो इसको हम सही ढंग से लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक। ठीक है, अब ये सही लिखा गया है। अब हम करेंगे भाग, भाग के अंदर पी एक्स को अंदर लिख लेंगे, एक्स की चार माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस पाँच। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक को बाहर। अब पहला स्टेप वही है कि एक्स स्क्वायर को किससे गुना करें, इस एक्स स्क्वायर को किससे गुना करें कि वो एक्स की चार बन जाए। एक्स की दो से गुना करेंगे ना, एक्स की दो से एक्स की दो को करेंगे तो एक्स की चार आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स की दो को माइनस एक्स से भी करना है। ठीक है, इसको सबसे गुना करना है, यहाँ जैसे हमने करके दिखाया था, आप चाहो तो इसको साइड में रफ में करके भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक है, इस पूरे को एक्स स्क्वायर से गुना करके देख लो, एक्स की चार माइनस एक्स की तीन, एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे माइनस एक्स की तीन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे नोट कर लो। अब देखेंगे यहाँ एक्स की तीन वाला कोई मेंबर नहीं है, तो हम पीछे लिख लेंगे इसको माइनस एक्स की तीन, और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसके नीचे हम लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करना है हमें निशान बदली, ये प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस का। ठीक है, एक्स की फोर माइनस एक्स की फोर ये तो कट जाएगा, हम बनाते ही ऐसे हैं इसलिए हम इससे गुना करते हैं कि ये कट जाए। अब ये देखो हम नंबर वाइज अब लिखेंगे तो प्लस एक्स की तीन को हम आगे लिखेंगे अब। ठीक है, और ये घटा का तीन घटा का एक, एक्स स्क्वायर है घटा का तीन है, घटा का तीन घटा का एक, घटा का चार एक्स स्क्वायर बन जाएगा, फिर घटा का चार एक्स स्क्वायर, और ऊपर से उतार लेंगे चार एक्स को भी। अब एक्स स्क्वायर को किससे गुना करें कि वो एक्स की तीन बन जाए, हाँ तो आपने सही सोचा, एक्स से गुना करेंगे प्लस एक्स से, तो ये बन जाएगा। अब हम गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक को एक्स से, तो ये आ जाएगी गुना एक्स की तीन माइनस एक्स स्क्वायर, एक को एक्स से करेंगे एक्स, तो इसके लिखते जाएंगे एक्स की तीन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, निशान बदली, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये कट जाएगा माइनस चार, देखो ये बन गया है माइनस चार, ये है माइनस चार, ये है प्लस का एक, माइनस चार प्लस एक, तो देखो दोनों निशान अलग अलग हैं, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो इनको घटाएंगे, इनको घटाया तो क्या आया तीन। ठीक है, चार में से एक घटाया तीन आ गया, इनमें देखो बड़ा जो है उसके आगे क्या निशान है, बड़ा चार है उसके आगे घटा का निशान है, तो ये घटा का तीन आ गया, यानी ये बन गया घटा का तीन एक्स स्क्वायर। ये जमा का चार है, ये घटा का एक है, तो चार में से एक गया, क्या बन जाएगा तीन, तीन एक्स। अब ऊपर से उतारा जाएगा पांच को। अब एक्स स्क्वायर को किससे गुना करें कि माइनस तीन एक्स स्क्वायर बन जाए, एक्स स्क्वायर को किससे गुना करें, माइनस तीन से, माइनस तीन से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस तीन एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, देखो आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं, इसको इससे गुना करते रहना है, माइनस माइनस प्लस तीन एक्स, प्लस माइनस तीन को प्लस एक से करेंगे माइनस तीन, और चाहो तो इसी तरह से पूरा गुना कर लो पहले, फिर लिख लो यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका निशान बदली, प्लस माइनस, ये माइनस का है तो प्लस। ठीक है, जो माइनस का था वो प्लस हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस हो गया, ये कैंसिल, तीन एक्स में से तीन एक्स गए, ये भी कैंसिल, पांच और तीन आठ, तो हमारा भागफल आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस तीन, और शेषफल आ गया है आठ, तो ये आ गया है आपका आंसर। अगला है जो इसका थर्ड पार्ट, उसकी स्टेटमेंट है पी एक्स जो है एक्स की चार माइनस पांच एक्स प्लस छः है, और जी एक्स क्या है, दो माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है,
तो इसमें जी एक्स में फिर सही ढंग से नहीं लिखा हुआ, तो माइनस एक्स स्क्वायर हम पहले लिख लेंगे, प्लस का 2 बाद में लिख लेंगे, और फिर अब इसको भाग करते हैं। एक्स की 4 माइनस 5 एक्स प्लस 6 को हम भाग कर रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से, ठीक है। तो सबसे पहले ये किस पे जाएगा, सबसे पहले देखो ये x की 2 है, ये x की 4 है, तो x की 2 पे चला जाएगा। x की 2 से इसको गुना करेंगे तो ये बन जाएगा x की 2 और x की 2 x की 4, और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा साथ में, और 2 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2x2। 2x2 हमने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये क्या है, देखो इसमें हम निशान नहीं बदली कर रहे हैं, क्योंकि x की 4 माइनस x की 4 पहले कैंसिल हो गया, हम वहां निशान बदलते भी इसलिए थे ताकि वो कैंसिल हो जाए, यहाँ तो अपने आप कैंसिल हो रहा है, इसलिए हमने निशान नहीं बदले हैं। 2x2 को आगे लिख लो, माइनस 5x प्लस 6। अब ये किस पे जाएगा, ये x2 है, ये क्या है x2, ठीक है। तो 2 पे जाएगा, 2 से गुना करते हैं इसको, 2 से इसको गुना करेंगे माइनस 2x2, 2 × 4। अगर आपको ये पता चल जाता है किससे गुना करते हैं तो आपका काफी काम हो जाता है, समझ में आ जाता है आपको। 2x2 माइनस 2x2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों के निशान अलग हैं तो कैंसिल हो गए। ये आ गया माइनस 5x, 6 और 4 क्या होते हैं 10, तो ये आ जाएगा शेषफल, ठीक है। तो हमारा भागफल कितना आ गया है इस क्वेश्चन में, x2 प्लस 2, और शेषफल आ गया है, यही हमें ज्ञात करना था, माइनस 5x प्लस 10, ठीक है। ये है इसके आंसर्स। पार्ट है इसका, इसमें इसको जो ये पहला पद है इसको इस दूसरे पद से भाग करेंगे और देखेंगे कि गुणनखंड बन रहा है कि नहीं। गुणनखंड बनने के लिए इसका शेषफल 0 आना जरूरी है। तो सबसे पहले x2 को 3x2 से गुना करेंगे, तो 3x की 4, 3 को इससे गुना किया, 3 के 9, x को x की 2 से x की 3, और 3x2। अगर कोई भी परेशानी आपको लगती है ऐसे गुना करने में तो हम क्या कर सकते हैं, 3x2 को आप ऐसे x2 प्लस 3x प्लस 1 से गुना कर लो, फिर यहाँ नोट कर लो, 3x की 4, 3 थी 9x की 3 प्लस 3x2, ठीक है। ऐसे आप गुना करके देख के यहाँ पे लिख सकते हो, फिर माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, घटा का 9 है, घटा का 9 और जमा का 5 है, तो देखो जो दोनों निशान अलग अलग हैं तो घटाएंगे इनको तो 4 आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4, तो बड़े का निशान हम लगा देंगे, यानी ये बन गया माइनस 4 एक्स की 3, एक्स की 3 तो दोनों के साथ है ही है, घटा का 7 है और घटा का क्या है 3 है, तो क्या बन जाएगा घटा का 10। जब दोनों निशान एक जैसे हों तो उनको जोड़ा जाता है और वही निशान लगा दिया जाता है, तो माइनस 10x2, ऊपर से उतारेंगे 2x को। अब ये किस पे जा रहा है, देखो x2 को आप इसको इससे भाग करके भी देख सकते हो, माइनस 4 की x की 3 है, इसको अगर हम x2 से भाग करेंगे तो देखो x2 इससे कैंसिल होके 1x बच जाएगा, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, यानी x की शक्ति 1 रहेगी, तो माइनस 4x से गुना होगा। ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको नहीं पता चलता, अब इसको इससे पूरा आप गुना करके देख लें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। x2 प्लस 3x प्लस 1 को माइनस 4x से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 4x की 3, 4 की 12, ये माइनस भी है, माइनस 12x2 माइनस 4x। अब आप इसको यहाँ नोट कर लो, माइनस 4x की 3 माइनस 12x2, स्केयर के नीचे स्केयर वाला, माइनस 4x। अब निशान बदल देते हैं, निशान बदल दो, ये कैंसिल, प्लस का 12 है, देखो 12 घटा 10, 12 घटा 10 क्या होगा, ये तो सिंपल बताया आपको, 2 होता है तो 2x2, जमा का 2 है, जमा का 4 है, तो जमा का 6x, ठीक है। और ऊपर से क्या उतारेंगे, प्लस का 2। अब देखो ये x2 है, ये 2x2 है, तो 2 से गुना होगी ना, तो 2 से गुना कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2x2, 2 तीये 6x और जमा का 2। अब ये सब के निशान बदलेंगे, सब एक जैसे हैं इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, और क्योंकि शेषफल 0 आ रहा है इसलिए क्या है, ये गुणनखंड है।
ये सब रफ में आपने करना है। ठीक है, अब इसका है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर पहला गुणनखंड है x की 5 माइनस 4x की 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और x की 3 माइनस 3x प्लस 1 से देखना है कि ये जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो इसके लिए इसको भाग करके देखते हैं। x की 3 है, ये x की 5 बनाने के लिए x की 2 से हम गुना कर लें तो ये बन जाएगा x की 5 माइनस 3x की 3 आएगा, माइनस 3x की 3, x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, निशान बदल देंगे, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 x की 3, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 1। अब ये देखो ये माइनस 1 है तो माइनस 1 से गुणा कर देते हैं, माइनस 1 x की 3 ये आ जाएगा प्लस 3x और ये माइनस 1 को प्लस 1 से कर रहे हैं माइनस 1। निशान बदल दो तो ये कैंसिल लेकिन 1 जमा 1 आ जाएगा 2, तो शेषफल जो है 0 नहीं आ रहा, तो ये क्या है, गुणनखंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गुणनखंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, यानी दो बहुपद हैं इनको भाग करके हमें जांच करनी है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, कि जो प्रथम बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। और वो कैसे पता चलेगा, अगर आपका शेषफल 0 आ जाता है इसका मतलब क्या है, गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड 0 नहीं है। तो अभी इसको इसी तरह से भाग करना है जैसे और क्वेश्चंस में किया। तो टी स्क्वायर को किसी ऐसे नंबर से गुना करना है जो क्या बन जाए, 2t की 4, तो 2 से तो गुना करना है ही है। ठीक है, 2 और टी की 2, ठीक है, टी की 2 से भी गुना कर देंगे इसको तो टी की 4 बन जाएगा ना ये, तो इससे गुना करते हैं 2t की 4 और इसको करेंगे माइनस 3 से, माइनस 6 टी स्क्वायर, 3 दुनी 6 टी स्क्वायर और माइनस भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो दोनों के निशान सेम है इसलिए घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो इसका भी निशान बदलेगा, घटा का बन जाएगा जमा, कट गया, 3 टी की 3, जमा का 6 है, देखो जमा का 6 है और घटा का 2 है तो 6 में से 2 गया 4, तो जमा का 4 टी स्क्वायर, ऊपर से उतार लेते हैं माइनस 9 टी। ठीक है, अब ये किस पे जाएगा, 3 इस पे है तो पहले तो एक 3 लेंगे हम, साथ में क्या लेंगे, ये टी की 2 है, ये टी की 3 है तो टी से गुना कर दें इसको तो ये टी की 3 बन जाएगा, टी से इसको अगर गुना कर दें तो ये टी की 3 बन जाएगा, तो 3 टी लेंगे तो ये बन जाएगा 3t की 3, इससे इसको करेंगे 3t 9t। ठीक है, माइनस भी है इसमें, 3t 9 और एक माइनस और साथ में आ जाएगा t। ठीक है, अब क्या करेंगे, निशान बदली करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल, 4t स्क्वायर, ऊपर से क्या उतारा माइनस 12। अब ये टी स्क्वायर है, ये 4t स्क्वायर है तो 4 से ही गुना होगा, 4 से गुना कर देते हैं तो ये बन जाएगा 4t स्क्वायर, 4t 12 और बनेगा माइनस का। अब देखो निशान बदलेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, माइनस प्लस है 12 तो 0, शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, शेषफल खत्म हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा, गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 ना आता तो हम कह देते गुणनखंड नहीं है। नंबर 3, 3x की 4 प्लस 6x की 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये जो हमें एक दिया गया है इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात करने हैं, इसके सभी शून्य ज्ञात करने हैं, अन्य का मतलब इसलिए बोला है क्योंकि इसके दो शून्य हमें दिए हुए हैं, वर्गमूल 5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके दो शून्य दिए गए हैं, इसकी शक्ति 4 से हमें पता चलता है, इसके 4 शून्य हैं, जिसके जितनी सबसे बड़ी वाली शक्ति हम देखते हैं वो जितनी होती है उसके उतने शून्य होते हैं, तो इसके 4 शून्य हैं जिनमें से 2 हमें दिए हैं तो 2 हमें ज्ञात करने हैं।
तो शून्यक हमें ये दिए हैं तो इसका गुणनखंड बन जाएंगे x घटा वर्गमूल 5/3 और x जमा वर्गमूल 5/3। इनको अगर गुना कर लें तो कौन सा रूल लगेगा इस पे? इस पे रूल लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी का, ठीक है। ये बन गया x माइनस वर्गमूल 5/3 x प्लस वर्गमूल 5/3, जिस पे रूल लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, जो रूल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। तो x का भी स्केयर करेंगे यानी वर्गमूल 5/3 का भी स्केयर करेंगे, तो ये तो बन गया x स्केयर, स्केयर से वर्गमूल कट जाता है इसलिए ये बन जाएगा 5/3 और 5 बीच में क्या है माइनस, ठीक है। इसलिए ये क्या बन गया x स्केयर माइनस 5/3, ठीक है। ये रूल आपको बहुत बार यूज होता है, इसको याद रखना है। इसमें अलग उत्तम लेंगे अगर हम 3 तो ये बन जाएगा 3x² - 5। तो 3x² - 5 जो आया है ये भी इसका एक गुणनखंड होगा इस इक्वेशन का, क्योंकि उनकी गुना भी उसका गुणनखंड होता है। तो अब क्या करते हैं, हम इसको 3x² - 5 से भाग कर देते हैं। इसको हम 3x² - 5 से वैसे ही भाग करेंगे जैसे हम और क्वेश्चन में करते आए हैं। तो हम किससे गुना करें कि ये 3x² से किससे गुना करें कि 3x² आ जाए, तो x की 2 से करेंगे ना, ठीक है, क्योंकि x की 2 तो पहले ही है, x की 2 से और कर लेंगे तो x की 4 बन जाएगा। 3x² 5 माइनस 5 x², ठीक है, x² के साथ नीचे लिखा जाएगा माइनस 5 x². आप इसको रफ में भी, अभी तक हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, x² से इसको गुना कर दिया 3x² माइनस 5 x², निशान बदल दिया, ठीक है। ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल, 6x³ और प्लस का 5 - 2 तो क्या बन जाएगा प्लस का 3, 5 - 2 कितना बनता है 3, 3x², ठीक है। और ऊपर से उतार लेंगे माइनस 10x। अब ये जाएगा किस पर जाएगा, प्लस 2x पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6x³, इससे इसको गुणा करेंगे माइनस 5 × 10x, ठीक है। अब क्या करेंगे, निशान बदलेंगे, माइनस प्लस कैंसिल, 3x² ऊपर से उतारा माइनस 5। अब ये किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, ठीक है। 3x² को 1 से गुना करेंगे तो 3x² आ जाएगा, तो ये 3x² - 5 आएगा 1 से इसको गुना करेंगे। अब क्या करेंगे, इसके निशान बदलेंगे तो हमें पता ही है कि ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल होना ही था क्योंकि इसका गुणनखंड है। अब क्या करना है हमें, x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक निकालने हैं, तो इसके लिए इसके गुणनखंड बना लो, ठीक है। इसके गुणनखंड बनाने के लिए हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो हमें ये पता है ये x प्लस 1 का स्केयर बन रहा है। देखो कैसे, x का स्केयर है ये, 1 का स्केयर है, प्लस में 2 गुना x गुना 1 बन रहा है ये, ठीक है। क्या देखो, ये x² प्लस 2x प्लस 1 है, x का स्केयर है, 1 का स्केयर है और 2x × 1, तो ये x प्लस 1 का स्केयर बन गया ये, ठीक है। जो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab रूल होता है ना, a प्लस बी का स्केयर बनता है उसका, वही चीज़ तो बन रही है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, कि इसको हम x² 2x के फैक्टर बना दें, x प्लस x लिख लें इसको, ठीक है। फिर इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो यहाँ x बचेगा, x कॉमन लेने पर, x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1, और ये भी इसको भी x प्लस 1 लिख सकते हैं, दोनों x प्लस 1 बाहर आ गया तो अंदर भी x प्लस 1, तो हो गया ना x प्लस 1 का स्क्वायर ही, ठीक है। x प्लस 1 को ये सब 0 के इक्वल है तो हम क्या रख देंगे, x प्लस 1 को भी 0 रखेंगे, इसको भी, तो हमारे शून्य क्या आ गए हैं, -1 - 1, तो अन्य शून्य क्या आ गए हैं, अन्य शून्य हैं -1 और -1। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें हमें शून्य निकालने थे। सबसे पहले तो हमने इन दोनों का इसको इनकी गुना की तो x² - 5/3 आ गया था, 3x² - 5 यहाँ से इसका एक गुणनखंड लेके सिर्फ हमने इसको भाग कर दिया है जैसे हमने अभी तक सारे क्वेश्चन में किया और इसके गुणनखंड बना लिए, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यदि x की 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देते हैं, अगर इसको gx से भाग देते हैं तो भागफल हमें x माइनस 2 और शेषफल क्रमशः कितना दिया हुआ है -2x + 4।
तो जी एक्स ज्ञात कीजिए। सबसे पहले स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। यदि x की 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी एक्स से भाग दें तो भागफल और शेषफल हमें दिए गए हैं, तो जी एक्स जिससे भाग किया है वो ज्ञात करना है हमें। तो पी एक्स हम इसको ले लेते हैं जिससे हम भाग कर रहे हैं, पी एक्स है x की 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। भाजक जिससे भाग करना है जी एक्स, जो हमें ज्ञात करना है, तो जी एक्स हमें ज्ञात करना है इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। भागफल हमें दिया हुआ x माइनस 2, शेषफल माइनस 2 एक्स प्लस 4। तो भागफल को क्या होता है, क्यू एक्स होता है, शेषफल आर एक्स, ठीक है। इनको इस तरह से लिखा जाता है क्योंकि विभाजन एल्गोरिथम हमें क्या कहता है, पी एक्स बराबर में जी एक्स गुना आर एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो ये है विभाजन एल्गोरिथम। ये बनता कैसे है, जैसे अगर 10 को हम 3 से भाग करें तो 3 3 ये 9 और 1, ठीक है, ये शेषफल आ गया, ये है शेषफल। ये क्या है, भाजक जिससे हम भाग कर रहे हैं, ये भागफल है। तो ये बनता ऐसे है कि देखो ये जो 10 है यानी जो बीच में है पी एक्स, वो कैसे आता है 10, भाजक को भागफल से, भाजक को हम जी एक्स मानते हैं, ठीक है, जी एक्स, और भागफल को क्यू एक्स, जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस में आर एक्स। तो ऐसे ही आता है ना ये, क्योंकि हम इसको 3 दिए 9 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, 3 दिए 9 1, तो यहाँ से आपका ये विभाजन एल्गोरिथम बना हुआ है। और इसको आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए था बस, ठीक है। तो विभाजन एल्गोरिथम ये है, पी एक्स हमें ये गिवन है, हमने वैल्यू पुट कर दी है, जी एक्स की वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो निकालना ही है, क्या वो एक्स एक्स माइनस 2 और आर एक्स क्या है माइनस 2 एक्स प्लस 4। अब इसको सोल्व करने के लिए ये प्लस में है, इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स की 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, ठीक है, ये प्लस है तो इधर जाके क्या बन जाएगा माइनस माइनस, और ये है माइनस 2 एक्स प्लस 4, जी एक्स और एक्स माइनस 2 यहाँ रह जाएगा। अब इसको करेंगे सोल्व, तो ये एक्स की 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 एक्स और माइनस 4 बन जाएगा ये, ठीक है, ये माइनस ने इस प्लस को माइनस बना दिया और ये ऐसा कैसा आ जाएगा, जिसमें हमने कुछ चेंज नहीं करना है ना, एक्स की 3 ये माइनस 3 एक्स स्क्वायर, एक्स और 2 एक्स मिलके बन गए हैं 3 एक्स, और 2 में से 4 घटाएंगे, 2 घटा 4 है देखो, तो दोनों के निशान अलग अलग हैं इसलिए इनको घटाया जाएगा और जो बड़ा है उसका निशान लगा देंगे, तो माइनस 2 आ जाएगा, 2 घटा 4 क्या होता है माइनस 2 एक्स माइनस 2। अगले स्टेप में ये एक्स माइनस 2 इधर जाके भाग होगा, ठीक है, एक्स की 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 2 है, ये किससे भाग हो जाएगा एक्स माइनस 2 से, तो हमें जी एक्स ज्ञात करना था वो आ जाएगा अगर हम इसको भाग कर लें। तो ये पूरी एक्सरसाइज ऐसे भाग करने की ही है, तो इसको हम भाग करेंगे एक्स माइनस 2 से, तो एक्स स्क्वायर पे जाएगा सबसे पहले, ठीक है, एक्स की 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, निशान बदल देंगे तो माइनस 3 प्लस 2 है, माइनस 3 प्लस 2 निशान क्या है अलग अलग है, तो घटाएंगे 3 में से 2 गया 1 और बड़े का निशान लगा देंगे, यानी माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ऊपर से उतारा है 3 एक्स को, ठीक है, तो किस पे जाएगा अब ये एक्स है, ये माइनस 1 है, तो माइनस 1 तो आएगा ही आएगा, 1 को तो हम लिखते नहीं है, और साथ में एक्स से और गुना करेंगे, तब ये एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स की 2 आएगा ना, तो माइनस एक्स आ जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर, या एक लगाना है तो लगा लो, माइनस माइनस प्लस 2 एक्स, ठीक है, इसकी इससे भी गुना कर दी है, अब निशान बदल दो, 3 एक्स माइनस 2 एक्स आ जाएगा एक्स, ऊपर से उतारा माइनस 2, अब ये किस पे जाएगा, ये एक्स है, ये एक्स है, तो किस पे जाएगा ये जाएगा 1 पे, 1 पे चला गया तो एक्स माइनस 2, ठीक है, ये आ जाएगा, कट जाएगा ये आपस में, तो ये आ जाएगा आपका जी एक्स, जी एक्स कितना आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये है इसका आंसर।